हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान जीके भाग 3 को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा की थी, तो उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वह है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में होकर विद्यमान हुआ, यानी कि आज जो राजस्थान पूर्ण स्थिति में आया वो 7 चरणों में होकर आया था। और उसके अंतर्गत 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, अर्थात 1948 ईस्वी से लेकर और 1956 तक, यानी कि 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक ये क्रम चला था, यानी 7 चरणों में होकर ये क्रम चला था। और जब राजस्थान का निर्माण हुआ था उसमें 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था और 19 रियासतें थीं। और उस समय जब हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय जिलों की जो संख्या थी राजस्थान के अंतर्गत वो 26 थी। तो कहने का मतलब 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वो 7 जो चरण हैं वो हैं, नंबर 1 मत्स्य संघ। मत्स्य संघ पहला जो चरण है, जिसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948। नंबर 2 है पूर्व राजस्थान। दूसरा जो चरण होगा वो राजस्थान का पूर्व राजस्थान, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी। नेक्स्ट जो चरण है वह है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान जिसकी स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट जो चरण है, चौथा चरण, उसका नाम है ब्रज राजस्थान। ब्रज राजस्थान इसकी जो स्थापना की गई थी वो 30 मार्च 1949 को की गई थी। दोस्तों, याद रखना है कि लगभग राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च 1949 को हो गया था, क्योंकि लगभग 18 रियासतों का निर्माण इन्हीं चरणों के अंतर्गत हो गया था। तो इसलिए राजस्थान जो दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान लगभग पूर्ण हो चुका था। इसीलिए इसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ब्रज राजस्थान। नेक्स्ट है संयुक्त ब्रज राजस्थान। संयुक्त ब्रज राजस्थान इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मई 1949। कहने का मतलब बृहद राजस्थान, ये जो नाम दिया गया था संयुक्त बृहद राजस्थान, इसका मतलब ये था कि संयुक्त बृहद राजस्थान के अंतर्गत जो बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, उसमें यदि मत्स्य संघ को जोड़ दिया जाए, मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान के अंदर जोड़ दिया जाए, तो उसका जो नाम दिया गया था वो संयुक्त बृहद राजस्थान दिया गया था। नेक्स्ट है 6 राजस्थान
सन और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। और नेक्स्ट है राजस्थान, जो अपने पूर्ण अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956। कहने का मतलब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो इन 7 चरणों में गुजरते हुए हुआ था। पहला जो चरण था वो मदर संघ था, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। पूर्व राजस्थान दूसरा चरण था राजस्थान का, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 हुई। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था, जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 में हुई। चौथा जो चरण था वो बृहद राजस्थान था, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। और इसी बृहद राजस्थान के लगभग राजस्थान के पूर्ण होने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है संयुक्त बृहद राजस्थान, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी। और नेक्स्ट है राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और लास्ट, और जब राजस्थान पूर्ण हो गया था तो उसकी जो तारीख थी वो 1 नवंबर 1956 थी। यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, जो पूर्ण एकीकरण हुआ था, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इस प्रकार सातों चरणों में जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, 7 चरणों को गुजरते हुए राजस्थान बना था, इसमें समय लगा, तो कुल समय पूछ लिया जाए तो कुल जो समय है इसका 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कहने का मतलब इतने समय में राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था। अब बात आती है इसमें, अब हम प्रत्येक चरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी कि जो हमारे 7 चरण है राजस्थान के, उनमें किस कौन कौन सी रियासतें आती थी, कौन उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, कौन उसका उद्घाटन करता हुआ करता था, तो ये सब का अध्ययन हम विस्तृत रूप से करेंगे। तो सबसे पहले आता है मत्स्य संघ, यानी कि प्रथम चरण। और प्रथम चरण में है मत्स्य संघ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था, ये दिया गया था के एम मुंशी के द्वारा। एक और खासियत है इस मत्स्य संघ की कि जो मत्स्य संघ था उसमें सबसे पहले इनकी रियासत को जान लेते हैं। और मत्स्य संघ की जो स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948। कहने का मतलब उसकी स्थापना की बात करें मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948। दूसरी बात इसकी जो महत्वपूर्ण आती है मत्स्य संघ की, तो रियासत कौन कौन सी थी, यानी कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासत थी। तो इसके अंतर्गत थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और करौली, यानी कि टोटल 4 रियासतें थी। अब इसके अंतर्गत बात आती है संपूर्ण रियासतों में, यानी कि 19 रियासतों में, जो हमने बताई थी आपको टोटल 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इस 19 रियासत में
यदि हम बात करते हैं कि एकमात्र मुस्लिम रियासत वो थी टोंक, और एकमात्र जाटों की रियासत जिसके जाट नरेश हुआ करते थे वो दो रियासतें थी, धौलपुर और भरतपुर। ये दो रियासत ऐसी थी जिनके जाट शासक हुआ करते थे, एक टोंक रियासत ऐसी थी जिसका मुस्लिम शासक हुआ करता था, और शेष जो रियासतें थी उन पर राजपूत शासकों का अधिकार था। इसमें रियासत चार हैं लेकिन एक ठिकाना भी है इसमें, और उस ठिकाने का नाम है नीम राणा। नीम राणा कहने का मतलब चार रियासतें और एक ठिकाना मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, और मत्स्य संघ में के मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ नाम दिया गया था। इसके अलावा जो धौलपुर रियासत थी, धौलपुर रियासत का जनता के आधार पर यानी कि जनमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण का मन हुआ था, यानी कि ये चाहते थे, धौलपुर रियासत ये चाहती थी कि हमारा विलीनीकरण उत्तर प्रदेश में किया जाए, लेकिन के एम मुंशी के द्वारा इनका नाम मत्स्य संघ जिन्होंने दिया है उनके सहयोग से इसको मत्स्य संघ में ही कन्वर्ट किया गया था। तो कहने का मतलब मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीम राणा, इन चार रियासत और एक ठिकाने से मिलकर और मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। अब बात आती है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तो मत्स्य संघ की दोस्तों राजधानी थी अलवर, राजधानी अलवर। इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि राजधानी अलवर थी, और इसका जो उद्घाटन करता था, जो मत्स्य संघ का उद्घाटन करता था वो कौन थे, उद्घाटन उद्घाटन करता मत्स्य संघ के जो उद्घाटन करता थे वो थे एन वी गॉडगिल। दोस्तों याद रहे कि हमेशा आपने देखा होगा कि उद्घाटन करना एनवी गॉडविल होता है, लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं कि एनवी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको भी जानना आवश्यक है। आप प्रश्न और अंदर से आने लग गए तो एनवी की जो फुल फॉर्म है वह है नरहरि विष्णु गॉडविल। कहने का मतलब इनका जो पूरा नाम है वो है नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब बात आती है कि मत्स्य संघ के रियासत चार रही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक ठिकाना रहा नीम राणा जिसका किससे संबंध है, अलवर जिले से। दूसरी बात, वहां की जो राजधानी है मत्स्य संघ की वो अलवर है। इसके अलावा उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल है जिनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब बात आती है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो थे मत्स्य संघ के, प्रधानमंत्री उनका नाम था शोभाराम कुमावत, और ये कहां से थे, अलवर से। शोभाराम कुमावत, और शोभाराम कुमावत का संबंध कहां से था, अलवर से। कहने का मतलब मत्स्य संघ के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे। इसके अलावा राज प्रमुख, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे,
मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, राज प्रमुख, और ये थे उदयभान सिंह, उदय भान सिंह। और उदयभान सिंह का संबंध कहां से था? धौलपुर से, क्योंकि ये धौलपुर नरेश थे, धौलपुर नरेश थे उदयभान सिंह, और उदयभान सिंह यहां के क्या थे? राज प्रमुख थे। तो कहने का मतलब जो मत्स्य संघ था उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सोवाराम कुमावत थे, राज प्रमुख उदयभान सिंह थे जो धौलपुर नरेश थे, और उद्घाटन करता एनवी गोडगिल थे, और इनका जो स्थापना वर्ष था वो था 18 मार्च 1948। नेक्स्ट है दूसरा चरण, दोस्तों याद रखना कि हमेशा प्रत्येक चरण के अंतर्गत उसका प्रधानमंत्री, उसका राज प्रमुख और उसका उद्घाटन करता, ये तीनों ही जो फैक्ट हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चरणों के फैक्ट आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ के अंतर्गत जो वार्षिक आय थी मत्स्य संघ की, जो वार्षिक आय थी वो 184 लाख थी। कहने का मतलब जब प्रथम संघ का निर्माण हुआ था तो उसके कार्यकलापों को सुचारू रखने के लिए मत्स्य संघ की जो आय थी वो 184 लाख थी। इसके अलावा दूसरा जो चरण है उसमें, यानी द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण में आता है पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अब देखिए दोस्तों, जो द्वितीय चरण था उसके अंतर्गत, यानी कि जो पहले मत्स्य संघ था और मत्स्य संघ में चार रियासत हुआ करती थी, एक ठिकाना हुआ करता था, उसमें जब पूर्व राजस्थान आया तो पूर्व राजस्थान के अंतर्गत 9 रियासतों का योगदान रहा था, 9 रियासतों से मिलकर पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ था। और वो जो 9 रियासत थी उनमें थी कोटा, बूंदी और झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और शाहपुर, किशनगढ़ और टॉम। कहने का मतलब 9 रियासत। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। कहने का मतलब इसमें टोटल 9 रियासतें थीं, और 9 रियासतों के साथ एक ठिकाना भी था जिसका नाम था कुशलगढ़। एक ठिकाना जो पूर्व राजस्थान था, जो द्वितीय चरण था राजस्थान का, उसमें 9 रियासतें थीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, और एक ठिकाना था कुशलगढ़,
जैसे कि मत्स्य संख्या अंतर्गत चार रियासतें थी और एक ठिकाना था निमरणा, उसी प्रकार जो दूसरा चरण था जिसका नाम पूर्व राजस्थान दिया गया था और जिसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को और उसका जो 25 मार्च 1948 को हुई थी, कहने का मतलब द्वितीय चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना था। इसका आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।